भाई पोताई का काम चल रहा है, जो कि तो विकलांग है और मेहनत कर रहे हैं भाई। हम 11 जून 2022 को इसका उद्घाटन होने वाला है। पूरा पटना मेरीन ड्राइव का मतलब रंग रूप बदल दिया है इस। गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल एके ब्लॉगर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे और मजे में होंगे। तो अभी हम लोग हैं फिलहाल एन सिन्हा इंस्टीट्यूट के पास। तो आज का जो अपडेट देने वाले हैं पटना मेरीन ड्राइव का, इसी जगह से देने वाले हैं। तो वीडियो को बिना आप स्किप किए हुए देखिएगा। अगर स्किप करके वीडियो को देखते हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर जाने वाले हैं इस वीडियो में। जी हाँ, सही चुना आपने, बहुत कुछ मिस कर जाने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना आपका टाइम गवाते हुए, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस आप देख सकते हैं फिलहाल उस जगह एन सिन्हा इंस्टीट्यूट है और एन सिन्हा इंस्टीट्यूट के जस्ट बगल से ये पटना मेरीन ड्राइव है। और इस जगह से आपको पटना मेरीन ड्राइव पर इंटर करना होगा। और तो कुछ मेन इंट्रेंस ऐसा है पटना मेरीन ड्राइव का। तो चलिए आपको उस तरफ जा के दिखाते हैं कैसा कैसा अभी काम चल रहा है, कहाँ तक हुआ है और इनॉग्रेशन कब होने वाला है। तो भी आपको मैंने बताया वहाँ से फिलहाल आप इंट्रेंस लेंगे पटना मेरीन ड्राइव पर। तो जैसे कि आप वहाँ से देख सकते हैं फिलहाल इसमें रंगाई पोताई का काम चल रहा है, जो कि भाई मतलब कहें तो पूरी तरीके से पटना मेरीन ड्राइव को सजा कर रख दिया गया है। और ये लोग भैया लोग के कारण ही हम लोग इस मेरीन ड्राइव पर राइड कर सकेंगे और अपना गंतव्य स्थान तक पहुंच सकेंगे। और देखिए पटना मेरीन ड्राइव क्या सुंदर लाजवाब लग रहा है दिखने में भाई। देखिए फिलहाल इसमें यहाँ पूरा देखिए पेंट हो रहा है, रंगाई पोताई का काम चल रहा है। और यहाँ भैया मतलब कहें तो विकलांग हैं और भाई इतना मेहनत कर रहे हैं भाई हम लोग के लिए। किन लोगों के लिए? हम लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं बताएं तो इतना सा भाई अनलिमिटेड, मतलब आप इन भैया के लिए 1 लाख तो कर दीजिए। आपको बताया कि विकलांग भैया हैं और ये फिलहाल रंग और पोताई रंग पोताई कर रहे हैं। तो आपका नाम जान सकते हैं क्या हुआ? मेरा नाम राजू पंडित। राजू पंडित, तो आप इसी जगह पर फिलहाल काम करते हैं अभी रंगाई और पोताई का ना? जी हाँ। तो शुरू से कर रहे होंगे जब से पटना मेरीन ड्राइव बन रहा है? जी। तो आप क्या बोलना चाहेंगे अपने सरकार को फिलहाल? सरकार के यही कहेंगे कि कुछ विकलांग के दिया जाए। हाँ, कुछ सेवा दिया जाए, घर द्वार थोड़ा गरीब है उसको दिया जाए, बनाएगा कुछ तो बनाया नहीं है, यही खट्टे पड़ता है, 400 रुपया महीना में देता है तो किस दुनिया में चलेगा, दुनिया चलेगा इससे? बात तो सही कहा आपने। और बेरोजगारी भाई साहब, मतलब बेरोजगारी तो ऐसे फैल रहा है दुनिया में, और आप थोड़ा बेरोजगार के लिए भी थोड़ा सा रहम कीजिए और सुनिए, विकलांग के लिए भी सुनिए। तो मैं विकलांग हो के फिलहाल पटना मेरीन ड्राइव पर पूरी तरीके से काम कर रहे हैं और आपके लिए रोड बना रहे हैं भाई साहब। अब क्या चाहिए इस रोड पे, और आप लोग इस रोड पे चलेंगे। तो गाइस आप देखिए वहाँ पर फिलहाल औसे वहाँ से हम लोग आए एन सिन्हा इंस्टीट्यूट के पास से। और देखिए फिलहाल जेब्रा क्रॉसिंग का जो कलर है भाई क्या लग रहा है, और जेब्रा क्रॉसिंग का कलर करके भाई मतलब पूरा पटना मेरीन ड्राइव का मतलब रंग रूप बदल दिया है इस जेब्रा क्रॉसिंग के कलर ने। और हमारे फिलहाल हैं तो भाई लोग मजदूर भैया सब बहुत ही मेहनत कर किए हैं इस तक हद इस तरह के लाने के लिए। भैया लोग के लिए तो 1 लाख बनता है भाई साहब, 1 लाख। तो गाइस अभी हम लोग हैं फिलहाल पटना मेरीन ड्राइव पर, और पटना मेरीन ड्राइव क्या लग रहा है मेरे पीछे आप देख सकते हैं, शानदार नज़र आ रहा है पटना मेरीन ड्राइव। और मैं अभी जा रहा हूँ पटना एलिवेटेड रोड के पास, ठीक ना, जो PMCS से जोड़ने का कार्य चल रहा है, तो उसी जगह फिलहाल हम लोग चलते हैं और आपको अपडेट देते हैं। बात करूँ पटना मेरीन ड्राइव को, और मैं पिछली वीडियो में आपको बताया था कि दीघा से लेकर पटना एन सिन्हा इंस्टीट्यूट तक जोड़ा जाएगा, लेकिन उसी दिन जिस दिन मैं वीडियो को अपलोड किया था उसी दिन निकल कर सामने आया कि पटना दीघा से जो है PMCS तक जोड़ा जाएगा। और कहें तो कार इसका भी तेज़ी जिस दिन पटना मेरीन ड्राइव का उद्घाटन होगा ना उसी दिन इसका किया जाएगा, लेकिन अभी बहुत से मतलब कंफ्यूजन में हैं कि 4 को होगा कि 7 को होगा कि 10 को होगा कि 15 को होगा। तो इसीलिए वीडियो में आप बने रहिएगा, आपको लास्ट में ज़रूर बताएंगे कि कब होगा। तो आप देख सकते हैं पटना मतलब ये एलिवेटेड जो रोड है PMCS तक जोड़ने का कार्य जो चल रहा है उसमें मतलब
ये पूरा ऑक्सीजन देने वाला प्रोजेक्ट है। पहले अशोक राजपथ पर भारी भारी जाम का सामना करना पड़ता था पटना वासियों को, लेकिन अब नहीं करना पड़ेगा। उसको डायरेक्ट दीघा से लेकर के आप PMCS तक जोड़ दिया गया है और कुछ ही क्षण के बाद पटना वासी इस पटना मेरीन ड्राइव के थ्रू PMCS तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी ले सकेंगे। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना वर्क चल रहा है और हैवी वर्क चल रहा है, बहुत ही शानदार वर्क चल रहा है इस एलिवेटेड रोड पर। दोनों का साथ को ही उद्घाटन है ना? नहीं, ये वाला डायरेक्ट PMCS जोड़ रहा है ना। अच्छा, तो गाइस अगर मैं बात कर रहा था ना कि पटना एलिवेटेड रोड को पटना मेरीन ड्राइव से कनेक्ट कर दिया गया है। कनेक्ट क्यों कर दिया गया है कि आप देख सकते हैं फिलहाल दो लेन है। फिलहाल उस लेन को स्टार्ट नहीं किया जाएगा। पहला ये लेन जो है इसमें फिलहाल ब्लैक टॉप का काम पूरी वहाँ PMCS तक हो गया है। इसको भी पटना मेरीन ड्राइव के साथ ही इसका उद्घाटन किया जाएगा, ठीक ना? तो एक कहें यू ऑक्सीजन देने वाला प्रोजेक्ट है ये, और क्योंकि PMCS को डायरेक्ट कनेक्ट किया जा रहा है और कनेक्टिविटी इतना शानदार हो रही है ना इस रोड के थ्रू और इस रोड के थ्रू, तो भाई साहब लग रहा है पटना वासी को बहुत ही क्षण कुछ दिनों में अच्छी चीज़ मिलने वाली है। तो आप देख सकते हैं फिलहाल ये जगह फिलहाल कहें तो रोड के बीच में रोड मार्क दिया जा रहा है और आप देखिए दोनों साइड जेब्रा क्रॉसिंग से फिलहाल रंग पेंट कर दिया गया है और उस साइड में आपको नज़र आ रहा होगा बैरिगेट कर दिया गया है, जो कि अच्छा है रोड के सेफ्टी से, और जो कि अगर खुदा ना खास्ता अगर ये एक्सीडेंट हो तो रोड के मतलब नीचे गाड़ी ना जाए, इसीलिए बैरिगेट देख रहे हैं आप किया गया है और यहाँ फिलहाल रोड मार्क दिया जा रहा है। लोग हैं फिलहाल पटना मेरीन ड्राइव पर, आप जो मेरे पीछे देख सकते हैं फिलहाल जहाँ लाइटिंग का काम किया गया है ना, तो उसमें फिलहाल प्लांटेशन का वर्क करना है जो अभी बाकी है। तो अगर मैं बात करूँ पटना मेरीन ड्राइव को कब उद्घाटन करने वाला, तो फिलहाल पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 4 तारीख को उद्घाटन होने वाला है, जी हाँ सही सुना, लेकिन अभी इसको एक्सटेंड कर 7 जून 2022 को इसका उद्घाटन होने वाला है। जी हाँ सही सुना आपने, 7 जून 2022 को श्री माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन होने वाला है और इस रोड के द्वारा आपको बहुत शानदार कनेक्टिविटी मिलने वाली है। तो वीडियो में कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।